मैं इस वक्त अलखिदमत के कैटल फार्म में हूँ और ये कैटल फार्म का एक्सपीरियंस हमने पिछले 2 साल से शुरू किया। इस तरह का जानवर जो लिम्पी स्किन का शिकार हो, उसका गोश्त खाया जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो उस मौके पे अलखिदमत फाउंडेशन ने इस बात का फैसला किया कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो हम मुल्क के अंदर कुर्बानी फी सबील लिल्लाह का करते हैं, तो उसमें हमारा हदफ हमेशा यह रहा है कि मुस्तक लोगों को कुर्बानी का गोश्त भी पहुँचाएँ, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हर तरह की बीमारियों से वो पाक भी हो। तो फिर हमने ये कैटल फार्म का एक आइडिया जो था इसको प्रसीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने ये तजर्बा किया जो बहुत अच्छा रहा। तो कैटल फार्म के अंदर अच्छा साया, अच्छी खुराक, पीने का पानी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट और डॉक्टर्स की टीम के साथ ये तजर्बा हमारा बहुत कामयाब रहा और इस साल हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर 3 कैटल फार्म बना रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो हमारा पूरे मुल्क का ऑपरेशन है तो उसमें जाने वाली जो जानवर और गाय हैं वो ज़्यादा कैटल फार्म से जाएं ताकि हर तरह से वो हेल्दी भी हों और बीमारियों से पाक भी हों। इंशाल्लाह हमारा अज़्म यही है कि ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी फी सबीलिल्लाह, पाकिस्तान के वो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ और मुस्तक लोग जिसमें बेवा है, यतीम बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उन तक इंशाल्लाह हम कुर्बानी का ये गोश्त पहुँचाएँगे और हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो अलखिदमत की टीम है, जो वॉलंटियर्स हैं, वो मिल के इंशाल्लाह ताला ज़रूरतमंदों के डोर स्टेप पे जाके इस ईद के मौके पे उनकी खिदमत करेंगे और उनको कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएँगे।